नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका gvtjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में निकली हुई भर्ती के बारे में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने हाल ही में ही भर्ती जारी की है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, नहीं तो आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो नहीं आएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भर्ती जारी की है वेरियस पोस्ट के लिए। तो अभी इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम बैचलर्स डिग्री प्राप्त होना जरूरी है इन इंजीनियर टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन, और एज लिमिट है 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है तो आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिल सकती है। मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल और अप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेशन फ़ी है 275 रुपीज़, और वो आप SBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चलन या ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा भी आप अप्लीकेशन फ़ी भर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से एप्लीकेशन फ़ी को भरते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर गेट 2018 के जो मार्क्स होंगे उसके अनुसार होगी। ग्रेड पे आपको यहाँ पर एस पर रूल लिखा है यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको ग्रेड पे मिलेगा। पे स्केल आपको मिलेगा 24,900 रुपीज़ से 50,500 रुपीज़, और अप्लाई करने के लिए आप www.hindustanpetroleum.com पर भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई हियर पर जैसे ही क्लिक करोगे, एप्लीकेशन अप्लाई हियर पर जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो ओपन हो जाएगी और वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको अधिक जानकारी पानी है तो जैसे आप इस PDF के लिंक है उस पर क्लिक करोगे, ये जो PDF है लोड हो जाएगा और आप बहुत सी जो जानकारियाँ होती है जॉब की वो पाकर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में भर्ती निकली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरियस वैकेंसीज है और पोस्ट का नाम है ऑफिसर इंजीनियर इत्यादि। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है यानी यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हो और सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पोस्टिंग भारत के किसी भी कोने में हो सकती है। लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए है 12 फरवरी 2018 यानी 12 फरवरी 2018 तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से भर्ती हो रही है। अब हम देखेंगे आप इस पोस्ट को अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए जैसे आप इस अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर जो लिंक्स दी गए हैं उनके ऊपर क्लिक कर अप्लाई कर सकते हो और लॉगिन भी कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे आप PDF कैसे लोड कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपको PDF लोड करना है तो जैसे आप इस क्लिक हियर पे क्लिक करोगे, ये जो PDF है ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है वैकेंसी की। नीचे जाकर आप देख सकते हो क्या क्या वैकेंसीज है और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ऐसी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रही है, सब ये जो पूरी जानकारियाँ होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर भरनी है। एप्लीकेशन फ़ी है 236 रुपीज़, क्रेडिट कार्ड से 277 और बैंक वाउचर से आप 270 रुपीज़ भर सकते हो। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चलन किस तरीके से भरना है, ऑनलाइन कैसे पे करना है, उसकी सब जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सैलरी क्या होगा, ऐसी जो पूरी जानकारियाँ होती है आपको बड़े विस्तार में यहाँ पर मिल जाएगी, जिसके कारण आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक ज़रूर करिएगा। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको ये जो आर्टिकल की लिंक है वो भी मिल जाएगी और आपको लिंक्स मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।